नमस्कार। हरियाणा बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, आजादी में नेताजी की खास भूमिका रही थी, साथ ही उन्होंने पूरा जीवन आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। भाई बहनों, आज देश के अंदर हमारे जवान जिनको पढ़ना लिखना मेरिट में आना इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल हुनर ये सीखना चाहिए, और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं, उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी, ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे, और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी मेरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा इसका हम ध्यान रखते हैं, और इसमें भी भावना कैसी चाहिए, व्यक्तिगत भावना की बजाय हम सुभाष चंद्र बोस से ये भी सीखते हैं। जैसा विषय आया कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, अब परीक्षा पास करके आईएएस नहीं बने ऐसे नहीं है। मन में एक अंतरात्मा की आवाज आई थी, अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि आईएएस बन करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी होगी। एक तरफ अंग्रेज सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश समाज सेवा, अंतरात्मा की आवाज है, दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो अंग्रेज की नौकरी कर लो या देश की सेवा कर लो। तो हमने देश की सेवा करने के उन्होंने व्रत उठाना, इस नाते से उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज सेना के नाते से हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो इन जयंतियों के ऊपर समाज को आगे जागृत करने की बात की है, समाज के हर वर्ग को साथ हमने जोड़ा है, जोड़ते हुए हरियाणा एक, हरियाणा एक, इस भावना को कायम करना और इस प्रदेश के लिए काम करना, अपना भला उसमें हो ही जाएगा। ऐसा नहीं अपना भला नहीं होगा, जब सब हरियाणवियों का भला होगा तो आपका, मेरा, इधर का, उधर का, सबका हो जाएगा। का भाई बहनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का ये कार्यक्रम है जब उन्होंने महापुरुषों की जयंतियां एक विशेष योजना बना करके की, ताकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने ऐसे लोगों की कवियों के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से लोगों को संस्कार दिए जा सकते उतने हम दे रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, चाहे भगवान श्री राम जी का समय था और चाहे आज हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इस बीच में कितने ही महापुरुष हुए हैं, कितने ही महान बलिदानी हुए हैं, उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है। हम चाहे सरकार चलाने में लोग लगे हैं, चाहे जनता के नाते आप लोग लगे हैं, हमको एक जागरण के नाते ये सब काम करना है, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और सुरक्षा, रोजगार, और उसमें से स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा, सुशासन, मैंने 7 सह की जो बात की है उसमें हम सब काम अपना पूरा कर रहे हैं। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे, किसी के काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो आपकी डिमांड होगी, जो आपकी मांग होगी, वो सब के ऊपर। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संबोधन दिया। कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हुए प्रदेशवासियों के निरंतर विकास की, प्रगति की बात उन्होंने कही। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने
कांग्रेस के पूर्व पार्षद को पटका पहना करके बीजेपी में शामिल किया है। भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी उन्होंने बधाई दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रत्येक बूथ की माइक्रो तैयारी चल रही है। भले ही चुनाव लड़े या ना लड़े ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वो 10 की 10 लोकसभा सीटों को बीजेपी की झोली में डालना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। कांग्रेस में हर व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, अलग अलग व्यक्तित्व की लड़ाई वहां पर कांग्रेस के गुट में शाम नजर आ रही है। देखिए हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। लोकसभा का चुनाव जब भी चुनावी हो घोषणा करेगा, हमारा पूरा का पूरा संगठन मजबूती से वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है और लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं। 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। मैं देख रहा हूं कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है, कांग्रेस में 2 गुट हैं और दोनों गुट मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति के साथ व्यक्ति लगे हुए हैं और जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति होते हैं ना प्रदेश का भला होता है ना देश का भला होता है, देश और प्रदेश उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर लाल जी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है। और कांग्रेस क्योंकि प्रलोभन देकर के लोगों को उलझाने का, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, परंतु आज देश और प्रदेश का लोग कांग्रेस के उन झूठे वादों में नहीं आने वाला है। कांग्रेस जो झूठी गारंटी दे रही है उसके ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है। देश में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का विश्वास है। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बन रही है। हरियाणा की 10 की 10 सीटों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आपने संबोधन सुना। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर हरियाणा सरकार ने छुट्टी बढ़ा दी है, 5वीं तक स्कूलें बढ़ा दी, 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं की कक्षाएं जो है लगातार चलती रहेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते फैसला लिया गया है, जिसमें कक्षा 5 तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी। देखिए उनके पास तो केवल बोलने के लिए है। अब वो दिल्ली की अपनी हेल्थ सर्विस को कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट सर्विस है, तो दिल्ली वाले अपने आप रो रहे। जब कोरोना आया किसी भी आदमी का तब पता चलेगा जब मुश्किल में होगा। जब कोरोना आया तो उन्होंने वहां से जो बाहर के प्रवासी मजदूर थे बसों में बैठे बाहर छोड़ दिए, और दिल्ली के जो लोग थे वो हरियाणा के हॉस्पिटल में थे। अभी आप किसी CMO से पूछ लो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसी एजुकेशन का अभी तक जितने भी सर्वे हैं किसी में 10वां स्थान भी दिल्ली का नहीं आया। तो कौन सी एजुकेशन है उनकी, कौन सी वो अच्छी दे रहे हैं? अब ठीक है कुछ स्कूल उन्होंने बना लिए, 20-25 स्कूल के ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मान लीजिए कहीं स्विमिंग पूल बना लिया, कुछ बना लिया, उसको दिखाया गया कहते हैं स्कूल। तो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। जो 1-2 व्यक्ति थे वो भी छोड़ के चले गए, जो 1-2 भी हैं बस उनकी इंतजार कर रहे लोग अपने छोड़कर कौन कौन सी पार्टी में जाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सालासर में नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने धर्मशाला निर्माण कार्य करने के लिए दान देने वाले दानदाताओं और धर्मशाला संचालकों की सराहना की। हुड्डा ने इस दौरान कहा कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर खुद हरि यानी कि भगवान का आना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिया है। हरियाणा के संस्कार और संवाद में शुरुआत से ही भगवान राम का स्मरण रहा है। हुड्डा ने कहा कि यहां बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से पहले राम राम करना सिखाया जाता है। इसलिए धार्मिक मान्यताएं, श्रद्धा भाव भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हरियाणा के डीएनए में है। ये खबर आपको बता रहे हैं सालासर से, जहां पर नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा के कणकण में भगवान श्री राम की बात कही जा रही है। सालासर दौरे पर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि हरियाणा वासियों को, हरियाणा के बच्चों को जो है वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने से पहले भगवान राम का नाम लेना सिखाया जाता है। हरियाणा के कणकण में भगवान श्री राम बसे हैं। बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सालासर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने भगवान सालासर बालाजी के दर्शन किए और साथ ही अपना बयान में उन्होंने कहा कि हरियाणा के कणकण में भगवान श्री राम है, वहां के बच्चों को स्कूलों में संस्कार दिए जाते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बाद में, सबसे पहले अगर कुछ है तो वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का नाम लेना उन्हें सिखाया जाता है। हरियाणा के कण कण में भगवान श्री राम बसे हैं, ऐसा कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जहां पर वे आज सालासर दौरे पर है। इंद्री में 20 जनवरी की रात को एक युवक रेड़ी समेत यमुना नदी में गिर गया था, जिसका शव अभी तक नहीं मिला है। जबकि रेड़ी को उसी दिन निकाल लिया गया था। लगातार गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शव का अभी तक कहीं भी अता पता नहीं लग पाया। पिछले दो दिनों में करनाल के गोताखोरों ने सर्च अभियान चलाया था। बता दें कि प्रसिद्ध गोताखोर राजीव अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से पूरी नहर को खंगाला, लेकिन शव का फिलहाल कुछ भी पता नहीं लग पाया है। वहीं लापता व्यक्ति के परिवार वाले काफी चिंतित हैं। इस पर गोताखोर राजीव ने बताया कि जो लोकेशन हमें दी गई थी उससे भी ज्यादा हमने नहर में सर्च अभियान चलाया है, लेकिन शव का कहीं पर भी पता नहीं लग पाया है। ये खबर आपको बता रहे हैं इंद्री से, जहां पर यमुना नदी में एक युवक गिर गया था। गोताखोरों ने सर्च अभियान चला रहे हैं और शव की खोज जो है वो की जा रही है। इंद्री से ये खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि एक युवक ने नदी में छलांग लगा ली थी, उसके बाद से ही इलाके में जो है सनसनी फैल गई। गोताखोर जो है वो सर्च अभियान चला करके अब व्यक्ति के शव को खोजने में जुट गए हैं। इंद्री से बड़ी खबर, जहां पर यमुना नदी में जाकर के युवक गिर गया। मामला क्या था, किस कारण से युवक ने ऐसा किया, इसके अभी तक कोई जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही पुलिस जांच में ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर यमुना नदी में गिरने का कारण उस युवक का क्या था। बता दें कि गोताखोरों ने सर्च अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही पुलिस जो है वो मृतक के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि शव की खोज में गोताखोर जुट गए हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, साथ ही व्यक्ति के शव को सर्च अभियान के तहत तलाशा जा रहा है। शव की खोज अभी तक नहीं हुई है, गोताखोर जो है वो सर्च अभियान चला रहे हैं। यमुना नदी में युवक गिर गया था इंद्री में, आपको बता रहे हैं ये इंद्री से खबर, जहां पर गोताखोर लगातार उस व्यक्ति के शव को ढूंढने की कोशिश में जुट गए। आप देख सकते हैं इंद्री में यमुना नदी जो है आपको दिखाई दे रही है, जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, इस पुल से युवक जो है यमुना नदी में गिर गया था। गिरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों का क्या कहना है इसको लेकर के अभी पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है। पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे का कारण क्या था। नहीं, यहाँ से कम कहीं 10 फुट पानी है, कहीं 12 फुट पानी है सर। उसके बाद हमने ये जो सा हेड है, हेड के अंदर बढ़ के सारा अच्छी तरह चेक कर दिया। उसके बाद ये जो से नवे वाले है पुल बना रखा, उसके नीचे जा रहे हैं चेक करने के लिए। पानी खुला है,
पानी तो सारी तरह ठंडा, क्या बताए, फिर भी काम करना ही पड़ेगा। जब आए यादव यमुनानगर से काम करके जाएंगे सर, अभियान लड़ने में दिक्कत है, करना दिक्कत का देखो आपको पता ही है, आग क्या से कर रहे हैं, इतनी ठंड पड़ गया। क्या लगता है कि बॉडी आके जा सकती है? बॉडी तो आके सरक गया। तो सुना आपने, गोताखोरों का कहना है कि भीषण कड़क ठंड में भी वो जो है शव की खोज कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जहां से युवक गया है शव वहां पर नहीं है, तलाशी अभियान जो है वो लिया गया गोताखोरों के द्वारा यमुना नदी में, लेकिन शव वहां पर नहीं मिला। बता दें कि यमुना नदी का आप देख सकते हैं, उनका कहना है गोताखोरों का कि शव आगे खिसक गया है और इस बढ़ती ठंड में भी वे अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं व्यक्ति के शव को खोजने की, लगातार जो है वो जुटे हुए हैं, सर्च अभियान को चला रहे हैं गोताखोरों की टीम। अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखी और उनका क्या कहना था जो आपने सुना कि पूरा उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इस बेहद ठंड में भी वे व्यक्ति की लाश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सिरे ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बता दें कि उन्होंने बड़े दावे के साथ ये बात कही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि 2024 में ऐसे हालात होंगे कि घमंडिया गठबंधन विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकेगा। देखिए चुनाव आयोग तय करेगा, इकट्ठा लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, हमारी दोनों तरफ से क्या है, हमारा संगठन मजबूत है और पन्ना से लेकर के हमारा संगठन मंडल बूथ शक्ति केंद्र पूरा का पूरा एक चैन के रूप में मजबूती से पूरा संगठन खड़ा है। कांग्रेस के पास तो कोई संगठन भी नहीं, जितना का उनके अंदर भी आपस में जितम पजेर हो गया, मंच पर नहीं बैठ सकते जितने की भी। जो लोग मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, जिनके दो धड़े बने हुए हैं और दो धड़े आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हों, मंच के ऊपर बैठ करके छिटा कसी करते हों, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हों, कोई यात्रा लेकर के चलता है उसके ऊपर दूसरे नेताओं की फोटो नहीं होती, दूसरा यात्रा लेकर के निकलता है उसके ऊपर उनकी फोटो नहीं होती, जो लोग ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने आम आवाम से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, इनकी सोच है कि कैसे कुर्सी पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस के समय के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भ्रष्टाचार की गति बड़ी तेज गति से बढ़ती है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विकास की गति तेजी से बढ़ती है। अध्यक्ष जी वही जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सिंह का ये कहना है कि बीजेपी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, बीज की और सीएम साहब की नहीं बनती, कहानी बन रही है, कोई देखा है आपने? दोनों एक जगह कई मंत्रिमंडल की बैठक होती है एक स्थान पर बैठे होते हैं, कहीं कार्यक्रम होता है एक मंच पर बैठे होते हैं, यहाँ तो गुड्डा ग्रुप अलग दिखता है, एसआर के अलग दिखता है। मैंने कहा है कि दो धड़े हैं आपस में बैठ नहीं सकते, जो लोग अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं कर सकते तो प्रदेश को क्या इकट्ठा करेंगे, कैसे विकास के ऊपर आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोग उसका चिंतन उनसे पूछना। भिवानी में 21वें दिन भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि सरकार जल्द पटवारियों की मांग माने, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। दरअसल भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष भी पटवारियों की हड़ताल जारी है, मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात भी कही गई है। भिवानी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पटवारियों की हड़ताल जारी है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। भिवानी से खबर जहां पर आप देख सकते हैं कि पटवारी जो है वो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हड़ताल पटवारियों की जारी है। देख सकते हैं कि सांकेतिक धरना जो है पटवारियों के एसोसिएशन द्वारा दिया जा रहा है।
सीधे आपको बीमारी से दिखा रहे हैं। मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैं अलका पटवारी यहाँ भिवानी से हूँ जी। और हमारा ये सांकेतिक धरना 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। हमारे संज्ञान में यही था कि सरकार हमारी ये जो उचित मांग है सरकार इसको बहुत जल्दी से मान जाएगी, लेकिन पता नहीं सरकार इतनी क्यों सोई हुई है जिसके कारण कि आम पब्लिक परेशान है। और जो ये आम पब्लिक परेशान हो रही है इसका दुख हमें भी बहुत है, क्योंकि हम आज तक अपने किसी धरने के लिए ऐसे मजबूर नहीं हुए जितना कि आज हमें सरकार ने इतना मजबूर कर रखा है, क्योंकि ये हमारा आज 21वां दिन का धरना है और लगातार इस कड़ाके की ठंड में हमारे परिवारी साथी कानून को साथी लगातार ठंड में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी इतने ऐसे बीमार हो चुके हैं कि इस कड़ाके की ठंड से कि वो मेडिकल में भर्ती हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी कुछ क्षेत्र में ठंड की वजह से बीमार हुए थे और जिनकी मतलब कि मौत हो गई है। इसी तरह से हमारे बहुत से साथी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं और वो ठंड के कारण बहुत बीमार भी हैं। सरकार को फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।